एक टोली आंदी है मार के चली जांदी, दूजे वाले मट्टी तेल पाके साड़ जांदे। ओ गया सरदार, ओ गया, पकड़ो इनू, मारो मारो मारो। जे रो भी दईए तो कहते बीबी 36 साल हो गए ने, भूल जाओ उन्होंने। जे किसी का सदे सा मर उंज भी मर जाता है तो उन्होंने कोई भूल सकता है? साडा तो सरेआम कतलेआम होया, टायर पापा के साड़ रहे सीगे। मेरा घर वाला गया, मेरा छोटा फिरा हो गया, जीजा जी वड्डे वाले गए ने, 18 साल का मुंडा गया, मेरा नंद 60 साल का, जेदे मुंह ते दंद भी नहीं सीगे। फिर मिलिट्री वाले जदों आ गए, असीं सोचा इन्हां नूं पुलिस ते नहीं कहिंदे कि यही मारन वाले आए, पुलिस वाले भी नाले नाले मिल के ही मार रहे सीगे। बंदे मार दिते गए, उन्होंने लाशा का अज तक भी पता नहीं। साडा पति की जमीन खा गई, आसमान निकल गया, सिखों का हालत खराब कर छड़ी, कोई रोकण वाला नहीं, पुलिस देख रही सीगी। पूरे टबर चले गए, रिश्तेदारों विच भी कोई नहीं बचा। ये कांग्रेस सरकार ने कराया, बहुत कराया। फिर अमिताभ बच्चन, वो कहिंदा जी खून का बदला खून। रातां जंगलों च पै गई आ, किथे कोई जमुना किनारे किसी जच्चे बच्चे हो रहे ने। इन्हां ने साडे नाल इन्ना बेइंसाफी की, अज तक असीं रोंदे फिरदे, सानूं इंसाफ नहीं मिलिया। जिवें लगदे कि घर तो बेघर है गए बच्चे, जिवें अनाथ हो तो गए, लेकिन हुण वो तो वध ही कह ला रहे। सरकार अन्नी है, हो गई है, अखा बंद करके बैठी है। सरकार साडे वल ख्याल करे, बिजली ते बिल 2-2 लाख रुपया आए हैं, साडे कोल कख नहीं, ते 2 लाख कितों दईए? साडे नाल बेआदमी करदे आ, की करे हुण? किहदे अगे जाके रोई? कोई तो सुने, प्रधानमंत्री जी सुन लवे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕ ਵਾਈ ਟੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੱਧੂ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ 1984 ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਪਤੀ ਬੱਚੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਗਵਾਇਆ, ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਗਵਾਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ 84 ਨੂੰ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜ਼ਖਮ ਹੱਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਕੌਰ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 1984 ਦੇ 31 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਕੰਮ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਟ ਵੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਈ ਜੇਕਰ ਮਾਰ ਪਿਟਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਆਮ ਸੀਗੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਸਵੇਰੇ ਕਮਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਖਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ 15-15 ਜਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਾਰਨ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਮੱਟੀ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਜਾਂਦੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਦੀਆ ਬਹਿਣਾਂ ਦੀ ਆਬਰੂਆਂ ਬੇਅਦਬ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 3 ਦਿਨ 3 ਰਾਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਣਦੇ ਆ, 72-73 ਘੰਟੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ।
तो फिर मिलिट्री वाले जो आ गए असी सोचा इन्हों नूं पुलिस ते नहीं कहिंदे कि यही मारन वाले आए, पुलिस वाले भी नाले नाले मिल के ही मार रहे सीगे। उन्हां तों बड़ा सानूं डर लग्गिया। उस ते बाद असी कहा कि भाई चलो जेकर आ गए ने कोई तो मदद करन वाला हैगा। उन्होंने फिर मिलिट्री वाले ने सानूं घरों कढ कढ के ते इन्होंने पार्क च इकट्ठा करके फिर अपनियां गड्डियां च बिठा के ते अपने सानूं रकाबगंज साहब ले गए। उत्थे की कहिंदे कैंप जी लगा दित्ती। फिर जिवें किसी नूं पता लगदा रहा कि भाई भुखे पिसाए हैगे बच्चे, कलोनी दी हालत खराब हो गई आ, फिर वो आने शुरू कर दिते। किसी नूं कानो कान खबर नहीं सीगी। इह कांग्रेस सरकार ने कराया, बहुत कराया। जे किते राजीव कहता जेकर पेड़ गिरता है तो पृथ्वी हिलती है, तो सिखों के लिए ही हिलगी। सिखों का हालत खराब कर छड़ी, कोई रोकण वाला नहीं। पुलिस देख रही सीगी कि आगे इंसान जाके गुहार लगावे, जो तो पुलिस ही साढ़े नाल बेइंसाफ कर रही सीगी। उसके बाद फिर अमिताभ बच्चन वो कहिंदा जी खून का बदला खून, इस तरह नहीं होना चाहिए। इन्हू गल शोभा ही नहीं दे रही सी खून का बदला खून। तो ये फिर कहदा खून सीगा, ये भी तो हिंदुओं का खून सीगा ना। असी सिख सीगे तां कि किसी गरीबां नूं तुसी बीच बचाओ करो, उन्हां दी हैल्प करो। आओ देखो भाई की हो रहा कलोनी दे विच, घर साड़ते भांडे भुंडे घर दे जड़े दरी दरवाजा सारे तोड़ फोड़ करके सारे ले गए, कुछ नहीं छड़िया। रातां जंगलां च पै गए हैं, किथे कोई जमुना किनारे किसे जच्चे बच्चे हो रहे ने। इन्नी हालत खराब हिंदुस्तान पाकिस्तान होया सीगा, तद भी साढ़े माँ प्यो सानू दसदे सीगे कि साडा बाल बांका नहीं होया। असी आराम नाल अपने हिंदुस्तान दे विच आ गए। इन्होंने साडे नाल इन्ना बेइंसाफी कीती, अज तक असी रोंदे फिरदे, सानू इंसाफ नहीं मिलिया, नहीं मिलिया इंसाफ। किसी नू कोई जेल नहीं किया, किसी नू कोई फांसी नहीं लाई। इन्होंने सानू थोड़ा बहुत मौजा दी, इन्होंने दिलासा दिता ही आ की देना। फिर दिते 10,000 दिते, वो तो बाद 10,000 किन्ने चिर रहने सीगे, फिर 10,000 दिते। 20,000 साल द साल के 20,000 रुपये बच्चों के उन्होंने वास्ते खाने वास्ते दिते। वो की बनता सी, रोंदे पिटदे रहिंदे सीगे, कैंपा च जांदे सीगे। उत्थे भी ओ किसे दी कंबलां दी फैक्ट्री है, उन्होंने गुरु महाराज खुश रखे, वो कंबल लाए सीगे। उत्थे ठंड च ठहरदे सीगे बच्चे भी पूरा टब्बर, एक कमरे च तीन चार चार परिवार, क्योंकि बंदे तो रहे नहीं। बंदे मार दिते गए, उन्होंने लाशा का अज तक भी पता नहीं कितने कर दिती। असी तरस दे रहे, लभ दे रहे, कितने नहीं लभे, कितने ले गई पुलिस या मिलिट्री, कौन ले गया सानू पता नहीं। साडा पति की जमीन खा गई, आसमान निकल गया, हजे तक रोंदे कि तुसी रोवो ना, ते रोए ना ते की करे, कोई तो साडी सुनाई करे ना। पर इन्ना साडे नाल जालमा ने किया, किसी ने नहीं किया, कहनू की कह सकते। निके निके बच्चे छड़ गए, पंज बच्चे हूँ कितों आवे की कीरत कमे रहेगी। वक्त ही हो जाए सीगे, एक कमांदा सीगे ते बच्चे बह के खाते सन, लेकिन हालत साड़ी बहुत खराब कर दी है। अजे तक भी असी इंसाफ पे मंगते हैं, हाले भी सानू बच्चे ने किसी ने कोई नौकरी नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं। जिमें लगते कि घर तो बेघर है गए बच्चे, जिमें अनाथ हो तो गए, लेकिन हूँ वो तो वध ही कह ला रहे हैं क्योंकि कमाइया रही नहीं। साडे घर बहुत परेशानी हैगी, सानू कोई नहीं आया देखने वास्ते, साडे आंसू किसी ने नहीं पूछे। बैठते टीवी ऐसे सुनते देखते आ, हुण भी अगर सुनते कि दुकानदारी चलती है, AK-84 वालों नूं असी मदद करते हैं, लेकिन साढ़े तई नहीं पहुँचती। असी देखिए ही नहीं कौन देंदा, कितने आंदा पैसा, किनू मिलता, वो नहीं पता सानू। असी बारी बारी बेनती करते, देण वाले आ फिर बंद कर दो, जे देना होवे ते बीबियां दे खाते नंबर ले के उन्हां दे विच पा सकदे, इनकुआरी करो ना। साढ़े घरां विच है ना, खाते विच है गे। इन्नी हालत खराब है, कहदे अगे जाके रोईए, जे रो भी दईए तो कहते बीबी 36 साल हो गए ने, भुल जाओ उन्हां नूं। जे किसे दा सदस्य मर उंज भी मर जांदा है तो उन्हूं कोई भुल सकदा है? साडा तो सरेआम कतलेआम होया, वो गया सरदार, वो गया पकड़ो इनू, मारो मारो मारो, इस तरह कर दे जिमें पागलपंथी हो जाती है।
इन्होंने ये किए ने सजन कुमार की टायर की फैक्ट्री सी पुरानी इधर माधीपुर टायर आते उन्होंने फैक्ट्रिया सारे टायर फ्री कर दिए गए टायर पा पा के साड़ रहे थे। इन्हें कोई कम नहीं छड़िया साढ़े उत्ते कि ए भाई बेचारियाँ रोन जोगे तो बच्चे भी कुछ दुख सुख सहन जोगे कुछ इन्हें हेल्प कर दईए साड़ी कोई हेल्प नहीं की अज तक कर जिन्हें कोई हेल्प की तो साढ़े सामने बोल सकता है कह सकता ही कुछ नहीं साड़ी करके हेल्प की हूँ भी असी परेशान तकते केड़ा कम करिए ज्यों लॉकडाउन आया साड़ी की मदद की थी कि नहीं की थी कोई मदद नहीं की थी हूँ कह नाम ले सकती हाँ जे नाम मिल लवानगी तो मैं बुरी कह लवानगी साड़ी कोई मदद नहीं है दो दो साल कोई घर बह के खा सकता ही नहीं कुछ नहीं साढ़े को हड़ पले भी नहीं बच्चे सियाने हो गए ने बच्चों के बच्चे सियाने हो गए ने असी तंग आ कहते को मंगिए कहू कही कुछ कहो तो नहीं जो कोई नहीं थोड़े को तो बड़ा कुछ है बड़ा कुछ तो है लेकिन दिने कहने किसी ने दिते हुए तो रूबरू कराओ बाकी साढ़े नाम का कोई दे भी रहा चलो वो भी मैं शुक्र गुजार हाँ दे तो रहा साढ़े नाम का लेकिन साढ़े तीन नहीं पहुँचता नहीं पहुँचता नहीं काकी जी हेठा तक नहीं आता नहीं जी थोड़ा जो उदो घटना वापरी थोड़े परिवार के मैं मेरा घरवाला गया अच्छा। मेरे तो मेरा छोटा भेरा हो गया जी। और मेरे जीजा जी वे वाले गए ने 18 साल का मुंडा गया मेरा नंद 60 साल का जेद मूँह दंद भी नहीं सीगे वो तो भी 18 साल का मुंडा गया उन्होंने जवाई गए ने अन के कुल मिला के पूरे टबर चले गए रिश्तेदारों में भी कोई नहीं बचा जे कोई हेल्प करने जोगा हो कोई नहीं बचा तद फिर इन्ना 10-10 हज़ार दे रहे हो जगह हूँ तुरंत जोड़ा मरदा या उन्होंने 40-40, 45-45 लाख देने तुल जाते असी सुनते हैं साढ़े भी आंसू आ जाते कि देखो वक्त भाई जान तो एक जी हैगी ना वो कुजरती मरे ने सानू तो जबरदस्ती मार दिता गया ना तो सानू इंसाफ क्यों नहीं देती सरकार सरकार अन्नी हो गई है अखा बंद करके बैठी आ सरकार साढ़े वर ख्याल करे बिजली के बिल तुसी देखो बिजली के बिल 2-2 लाख रुपया आए हुए हैं साढ़े को कख नहीं तो 2 लाख कितों दईए साढ़े नाल बेयाद भी करते बोलते की करी हूँ कि अगे जाके रोई कोई तो सुने प्रधानमंत्री जी सुन लवे कानून के जो बीबियां बाकी चो बेचारी मर गई हैं कुछ छड़ के चली गई हैं जड़ी रह रहे उन्होंने तो हमदर्दी कर जड़े कोई एर गैर नथू कोई आया तो साढ़े नाम का वह भी लेके खा रहा मैं नाम की दसा किसी तरह नहीं दस सकती लेकिन सानू फिर कि इंसान मिले जी आम आदमी पार्टी वाले केजरीवाल है ये कहें असी आम लोगों के इन्होंने मदद की पंजाब च भी वोटा लैन जाते हैं कहें असी उत्थे सिखां दी बहुत मदद की कि मदद की आ वो दसे सही सानू कोई पैसा दिता है सानू कोई राशन दिता या ये जरूर है कि जेडे राशन कार्ड दे जरा राशन वो तो मिल रहा वो इन्होंने फ्री जरूर किया इंसान किसी का अन्न खा के भी हराम नहीं करना चाहिए वो मिल रहा फ्री एक बार मोदी जी का भी मिल रहा नाले केजरीवाल का भी मिल रहा वो साढ़े पैसे नहीं देने पैदे सानू राशन ही फ्री मिलता है जर वो चावल मिलते तो गेहूँ मिलती है बाकी तो संसार में होर भी तो खर्चे है ना सारी बीमारी अजकल परेशान है पब्लिक बहुत हूँ किसी के बारे की कहिए पर साड़ी मदद नहीं की मोदी सरकार जदों आई सी 5 लाख उन्हें जरूर दिते सीगे हाँ जी दिते सीगे ते बच्चों का फिर ब्याह श्याह करवा दिता थोड़े थोड़े करके जिमें गरीब घरों कुड़ियाँ की कहते ब्याह करवाया तो वह कुड़ियाँ भी दुखी है कुड़ियाँ भी रो के माँ के सामने आके बह जाते कि माँ की करिए माँ हूँ अगे की कर सकती है कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता काका की करिए कि समा लग गया जे 84 तो बाद तक गल करनी हो अपने आप को संभालने पर समा तो बहुत लगता ही है बई हूँ सोचिए अगर सरकार को जाइए तो सरकार कहता बी माता वो थानू नौकरी देती है और थोड़ा बहुत जोड़ा सीगा मौजा देता हूँ थोड़े वाल की रहा साढ़े वाल हूँ कुछ भी नहीं है जो हो गया सो हो गया हूँ तुम 84 भुल जाओ किस तरह कोई भुल सकता है इंदिरा जो मरी है तो इंदिरा कोई भुल रही है तो अपने ने जे इंदिरा ने तो भी कोई कसूर तो किया ही सीगा ना अपने आप कौन है साडा बच्चा घर से नुकसान करता है तो असं बच्चे भी चपेट मार देंगे कि आ तू गलत किया ही है पर इंदिरा गांधी इन्हें राजनीति इन्हों एक मर जाए खाते भरे हुए ने बैठ के आराम खा सकते
साढ़े हुण खाते च किस तरह आणगे, कोई देगा तद ना, कमाइया है जे कमावांगे तद तो असीं भी खाते च पावांगे ना, कोई नौकरी पेशा है नहीं कि बच्चों का छोटा काम है फोटोग्राफरी का, किन्ने क चेर खा लेंगे, किन्ना के कमा लेंगे, किन्ना खाणगे ते किन्ना जमा करनगे। इन्हें सानू सरकार ने कहना चाहिए कि बीबिया नू भी मुआवजा दो। मनमोहन सिंह की सरकार सीगी 2005 या 2006 विच उन्हें किए थे साढ़े 25-25 लाख मंजूर, उसके बाद कोई विचोले आके कूद पे ने, वह भी कहते नहीं बीबिया खा जाएगियाँ, बीबिया के बच्चे रह जाएंगे। उत्थे जड़े लैटर आए हुए विचोले ने वह भी गायब कर दिता, असी तकदियाँ रह गई साड़ी, फिर भी वह कहने रोने ते खाने, साडा मतलब कोई नहीं, कहते मरण दो इन्हों कोई नहीं, मरे तो पे न मरण मार दो। तुम कलोनी की हालत देख रहे हो ना, की कलोनी की हालत है, की रहने जोगी है, पर एक मजबूरी है, मजबूरी है, रह से मर नहीं सकते, जी रहे तो जिंदी लाश चल रहे हैं, असी जिंदी लाश चल रहे हैं। हूँ आ रही है 1 तारीख, फिर कह दी दिवाली, साढ़े वास्ते तो काली रात हैगी, दिन दिन तीन रात, असी तो हजे भी आस करते शायद आज, लेकिन चंद्रया ने मारे वो कभी वापसी नहीं आ सकते, नहीं आ सकते वापसी। चंद्र ने साढ़े नाल बहुत बेइंसाफी की है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा, असी कसूर किया सीगा, सानू राजनीति नाल की लेना सीगा, राजनीति जो तुहाडे ते ही हैगी, असी सवेरे कमांदे शामी खांदे, साढ़े बैठियां दे घर उजाड़ दिता, इन्हों का गुरु महाराज नाश करे। बहुत एक रिश्तेदार भी इन्ने कि मदद करते, एक अद्ध घर का अगर उजाड़ हो जाता तो कर देंगे, तो सारे रिश्तेदार जिन्हें भी सी छोटे ने व्डे तक सारे के घर अग ला के सारे टब्बर उन्हों का भी मारता, हालत खराब कर दी थी साढ़े घर जी पूरे का पूरा। जेकर पूरी पूरी कौम टारगेट किया, हाँ जी, सिख भाई चुन चुन के मारिया, खिच खिच के मारिया, उन्होंने उन्होंने सामने जो मारते चलाते बच्चे, उन्होंने बीबी उन्हें बेअदब किया गया, और की करे हूँ कह दिया गया रोवे, पुलिस भी देखती सी, पुलिस ने ललकार किए हुए सी राजीव दी के कोई नहीं किसी ने सिखा लुकाएगा घर के, यदि कोई जा रहा कोई छिपन वास्ते भी वो कहता तुहाडा घर भी जला दोगे अगर तुसी सिखा ने घर के रखी आते, वो फिर डर दे मारे बाहर कढ़ देते सीगे, बाहर पूरी टोली हुंदी सीगी, फड़ लेंदे सिख नू मार के उते साड़ देंदे सीगे। ए इंसाफ है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदू तो हिंदू नाल कर दिता ही गया, इन्हां सत्यानाश आतंकवादी तो भी इन्हें वध चढ़ के ही किया ही है। बहुत बुरा हाल है काका, असी नहीं कह सकते, दुख दे तो फुल भरे हुए ने, हुण बच्चे साढ़े अधूरे रह गए, बच्चे का कम कर रहे या नहीं, हुण कह दे आगे जाके गुहार लगे, जो ओ दे आगे गुहार लगे जो साढ़े आंसू पूछे ता कोई साड़ी सुनाई होवे, बच्चे साढ़े अगे वधण, बाकी नहीं तो किसी जोगी भी नहीं है जी। गलबात की माता दे नाल बड़ी दर्द भरी कहानी है, क्योंकि दर्द भरी कहानी इस जिहड़ी जे असीं कह रहीए कि इत्थों दी हर एक गली दी हर एक कूचे दी है दर्द भरी कहानी है, क्योंकि इत्थे नरसंहार वापरिया, ये माता देवी जिहड़ा पति नूं मार दिता गया, पुत नूं मार दिता गया, रिश्तेदारां नूं मार दिता गया, एक तरह के नाल पूरे दे पूरा जे को कहिंदे कि जे असीं आसरा किसे दा तकदे सारे दे सारिआं नूं मार दिता गया, कोई लीडर ने वाह नहीं फड़ी, कोई अज भी कहिंदे साडे बच्चे बेरोजगार है, कलोनियां दी हालत खस्ता है, बहुत मुश्किल दे नाल गुजारा कर रही हैं, भुलण दी गल कह दिंदे आ असीं किवें भुल सकदे हां, साडे लई तां अज भी उही हाल है, साडे लई तां अज भी ओह जख्म ताजे है। कैमरा पर्सन हिमताज ढिल्ला दे नाल मनिंदरजीत सिद्धू, लोक वाई टीवी।